हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो जूनियर सुपरटेट की जो सीरीज चली थी उसी में आगे करेंगे आज हम नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले मैं 1, 2, 3 लेसन करवा चुकी हूँ। आज हमारा लेसन चलेगा जंतु की संरचना एवं कार्य। उसके अंदर है ये डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके आगे उसके बाद करेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक, रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। आहार नाल में सही क्रम लगाना मतलब भोजन किस किस प्रोसेस में आगे जाता है जो हम खाते हैं। तो सबसे पहले मुख, मुख में जाएगा, मुख के बाद गृष्का में, फिर आमाशय में, फिर क्षुद्रांत्र, फिर बृहदान्त्र। क्षुद्रांत्र का मतलब होता है छोटी आंत, बृहदान्त्र का मतलब बड़ी आंत। इस तरह से हमारा आहार नाल का प्रोसेस चलता है। क्लियर, ये इसकी डिटेल है। सेकंड देखो, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से थोड़ा सा जूम कर दो, रुको, यकृत से पित्त रस ग्रहण करके पित्ताशय में संग्रहित करता है। पित्त रस बाइल जूस को कहते हैं। तो ये करता है हमारा बी अग्नाशय, इसे पैनक्रियाज भी कहते हैं। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये यकृत से पित्त रस को संग्रहित करता है। अभी आगे इसकी डिटेल आगे तो आपको समझा दूँ। थर्ड देखो, लाला रस या लार का क्या कार्य है? तो इसका ऑप्शन बी, स्टार्च को शर्करा में चेंज कर देता है। ये आपके जो लार का कार्य क्या है, स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। क्लियर, एक क्वेश्चन और, लार में कौन सा एंजाइम पाया था? टाइलिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया था, इसको एमाइलेज भी कहते हैं। टाइलिन ना आके एमाइलेज आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एमाइलेज या टाइलिन। क्लियर, नेक्स्ट देखो, कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो यह होता है आपका ट्रिप्सन। डिटेल में देखो, ये अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है, दूसरी। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर दूसरी है तो बड़ी ग्रंथि कौन सी है पहले नंबर की? तो फर्स्ट नंबर की आपका यकृत यानी लिवर, इसे जिगर भी कहते हैं। अब इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ जाओगे। इससे अग्नाशय रस निकलता है जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। और अग्नाशय रस में तीन प्रकार के एंजाइम्स पाए थे, ट्रिप्सन, एमाइलेज और एक कौन सा हमारा लाइपेज। क्लियर, तो ट्रिप्सन का कार्य क्या है? ये प्रोटीन व पेप्टिन को पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को घुलनशील शर्करा में बदलता है। ये बहुत पूछा था, मोस्ट इंपोर्टेंट, टाइलिन याद रखना। और लाइपेज क्या होता है? इमल्सीफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। क्लियर, नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो अभी आपको बताया था फर्स्ट नंबर पर क्या था, यकृत, इसका आकार बड़ा है। और दूसरे नंबर पर अंगनास है, इसका वजन कितना होता है? 1.5 से 2.0 के केजी के मध्य होता है। और ये स्थित कहाँ होती है, ये इसकी डिटेल है। ये उदरगहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। और यकृत द्वारा स्रावित कौन सा रस? पित्त रस, पित्ताशय में संचित होता है। ये पित्त रस आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है तथा शरीर में जीव विषों को प्रवाहित करके इसकी रक्षा करता है। नेक्स्ट है, मानव में पित्त का स्राव होता है, तो ये अभी आपको बताया किससे? यकृत से, ये इसकी डिटेल है अभी जो आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, बाइल का स्राव होता है, बाइल जूस किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था पित्त रस को बाइल जूस कहते हैं, बाइल BILE। तो ये किससे होगा? जिगर से। मैंने आपको बताया अभी जिगर, यकृत या लिवर कुछ भी आ जाए, इससे पितरस का स्राव होता है। नेक्स्ट देखो, निम्न जानवरों में किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो किसकी होगी? खरगोश की। क्यों होगी? क्योंकि खरगोश क्या है? शाकाहारी। बाकी ये तीनों ऑप्शन में दे रखे हैं, ये आपके क्या हैं? ये मांसाहारी हैं। शाकाहारी जंतुओं की आंत लंबी क्यों होती है? क्योंकि ये सेलुलोज का पाचन करते हैं। सेलुलोज का पाचन करने में इन्हें बहुत समय लगता है, इसीलिए इनकी आंत बहुत छोटी होती है। और जो मांसाहारी होते हैं वो अपना भोजन सीधे सीधे पचा लेते हैं।
क्लियर, इसलिए इनकी आँच छोटी होती है, और जो शाकाहारी होते हैं इनकी आँच जो होती है वो लंबी होती है। तो अब याद रखना कि ऑप्शन में अगर शाकाहारी हो तो आप उस पर टिक करेंगे, मांसाहारी अगर छोटी पूछा जाए तो मांसाहारी का टिक करेंगे, और बड़ी लंबी पूछी जाए तो शाकाहारी पे टिक आएगा। क्लियर। नहीं देखो, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक कहते हैं, स्वाद का पता लगाते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें, रसवेदी कहते हैं, और रसवेदी को इंग्लिश में बोला जाता है गस्टेटरी। तो आपका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है, तो ये कहलाता है इंडोस्कोप, पाचन तंत्र की। बाकी इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। इंडोस्कोप उपकरण का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है। ऑसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसका उपयोग किसी विभवांतर को समय के सापेक्ष एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। ऑसिलो हो गया, माइक्रोस्कोप तो पता ही होगा आपको, छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, तो उसमें यूज होता है माइक्रोस्कोप। और लास्ट है आपका रेडियोग्राफ, इसका उपयोग होता है चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में, अर्थात शरीर के आंतरिक ढांचे को समझने में। क्लियर। तो ऑसिलोस्कोप, माइक्रोस्कोप, रेडियोस्कोप, ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो, किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, होमोडोंट मतलब समान, तो ये हो गया आपके मछली में। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। देखो, स्तनधारियों में, स्तनधारी का मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चों को जन्म देने वालों को स्तनधारी कहते हैं। इनके दांत थीकोडोंट, हेटोडोंट, ज़्यादातर डाइफियोडोंट होते हैं, जबकि मछलियों में एक्रोडोंट या होमोडोंट यानी समान आकार के होते हैं। ये भी दांत का एनामल किससे बना होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे मजबूत होता है, ये किसका बना होता है, ये होता है आपका कैल्शियम, सॉरी बी नहीं है, डी है, कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर। नेक्स्ट देखो, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl ऐसे लिख लेते हैं। डिटेल में देखो, HCl क्या होता है, पेट में मौजूद अन्य गैस्ट्रिक रसों के साथ मिलकर पाचन में सहायता करता है, और उसके साथ साथ खाद्य पदार्थ में पाचन में जीवाणुओं को मारकर शरीर की रक्षा करता है, बीमारी से बचाता है। नेक्स्ट देखो, भोजन के संबंध में आपको गलत बात बतानी, मतलब गलत इसमें से कौन सा पॉइंट है, ए बी सी डी में से तीन सही है आपका, एक गलत है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। क्यों है, क्योंकि अजैविक न होकर भोजन आपका किस में आता है, जैविक में, रासायनिक क्रिया भी देता है, जैविक है और हमें ऊर्जा देता है, ये तीनों सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मतलब ये गलत होगा। नेक्स्ट देखो, लार में एंजाइम होता है, अभी आपको बताया था, एमाइलेज या टाइलिन, इसकी डिटेल है। लार में 99% क्या होता है, वाटर, 1% आपका एंजाइम, और ये दो प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन को एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, आपको बता चुकी हूँ, स्टार्च को माल्ट शर्करा में ये बदल देता है, और जो लाइसोजाइम होता है वो एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में काम करता है। एमाइलेज बहुत पूछा जाता है, किसको किसमें बदलता है, तो ये स्टार्च को माल्टोज या शर्करा में बदल देता है। नेक्स्ट देखो, दंत बल्क या दंत एनामल किससे बना होता है, अभी आपको बताया था ये, तो ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। डिटेल देखो इसकी, दंतमल दांत का सबसे कठोर भाग है, पूछा जाए सबसे कठोर भाग कौन है, तो आपका ये होगा एनामल, और ये आपका इम्पोर्टेंट, कैल्शियम फॉस्फेट के अतिरिक्त इसमें क्या क्या और पाया जाता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट और कैल्शियम क्लोराइड भी पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, मानव पाचन तंत्र में पित्त रस यानी बाइल जूस का स्राव कहाँ से होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये, तो ये आपका यकृत से यानी लिवर से, ये इसकी डिटेल है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसमें पित्तरस का श्रावण होता है, और प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, क्षारीय किस तरह से होती है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जल, पित्तलवर, कोलेस्ट्रॉल और बाह्य कोशिकाएं भी पाई जाती है। अब देखो पीएच मान, ये पीएच मान लिख रहा है, तो कितना है, 7.7। अब क्षारीय क्यों है, अम्लीय क्षार लवण वाला चैप्टर जब आपको कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा।
जब सात से मान अधिक होता है, सात से अधिक होगा तो क्षारीय कहलाता है, सात से कम हो तो अम्लीय। प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। और केवल सात ही हो तो प्रकृति क्या कही जाएगी? उदासीन यानी न्यूट्रल। तो ये 7.7 दे रखा, सात से अधिक हुआ ना, इसीलिए प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। और कम होता तो अम्लीय होती। क्लियर? इसी तरह से देखो रक्त का होता है 7.4, तो रक्त की भी प्रकृति क्या होगी? क्षारीय है। कम होता तो अम्लीय होता। और जो हमारा वाटर होता है पानी, उसकी पीएच जो वैल्यू होती है वो केवल 7 होती है, तो वो आपका उदासीन में आएगा पानी। क्लियर? तो इस तरह से आपके पाचन तंत्र संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि शेयर करने से क्या होगा, और बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए बाकी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, माधवी एकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो जूनियर सुपर टेट के लिए जो भी सीरीज चलाई जा रही है उसी के आगे हम करेंगे आज का नेक्स्ट टॉपिक, रुधिर परिसंचरण तंत्र। इससे पहले मैं 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन करा चुकी हूँ, जो कि थे पाचन तंत्र संबंधित। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। तो चलिए करते क्वेश्चन स्टार्ट। नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है? सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। ये तो सही है। धमनियों की भित्तियां मोटी होती है, ये भी सही है। धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती है, ये भी सही है। आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी धमनियां नहीं ले जाती। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखो, धमनी और शिराएं बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले धमनी पढ़ लेते हैं, उसके बाद शिरा। देखो, धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है, ये तो बात सही है। और रक्त प्रवाह तेजी से अधिक दाब पर होता है, इसीलिए जो भित्तियाँ होती हैं दीवार वो कैसी होती है? मोटी, क्योंकि रक्त प्रवाह बहुत तेजी से होता है ना, बार बार टकरा के फिर लौटता है, तो इसलिए दीवार मोटी होती है। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को नहीं ले जाती, क्यों? इसमें से एक अपवाद है, फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या करती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ले जाती है, तो CO2 तो अशुद्ध हो गया ना, रक्त को फेफड़ों में ले जाती है, इसीलिए ये वाला आपका सभी धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें से एक जो आपकी फुफ्फुसीय धमनी है पल्मोनरी, वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, धमनियाँ करके तो शुद्ध में जाएगा, और फुफ्फुसीय धमनी लगा दे तो आपका अशुद्ध हो जाएगा। और डिटेल में देखो, अभी यहाँ से और क्लियर करो, जो धमनियाँ हृदय से ही आपको क्लियर हो गया होगा। शिराएं क्या होता है? जस्ट अपोजिट है। शिराएं क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में लाती है, तो अशुद्ध बोले तो शिरा आएगा, शुद्ध होगा तो धमनी। इसी में एक नेक्स्ट देखो, धमनी में रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, इसलिए इसकी दीवार कैसी होती है? मोटी। जबकि शिराएं की भित्तियां कैसी होती है? इसके अपेक्षा पतली होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम में दे सकता है, तो इसको याद रखना है। शरीर में फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है? एक अपवाद है, जो कि CO2 यानी अशुद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाती है। बाकी सभी धमनियाँ कैसे शुद्ध ले जाती हैं, पर एक ये पल्मोनरी जो है ना, ये आपका अशुद्ध ले जाती है, इसको याद रखना है। इसी तरह इधर क्या है कि सभी शिराएं अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, बट एक फुफ्फुस शिरा जो ऐसी है जो ऑक्सीजन यानी शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। तो इस क्वेश्चन को बार बार मैं इसलिए प्रेस कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको कन्फ्यूज करने के लिए दे सकता है, तो याद रखना। आपको पल्मोनरी में आए तो अशुद्ध, और ये आपका सिरा में दे दे फुफ्फुस सिरा तो शुद्ध। क्लियर? नेक्स्ट देखो, परिसंचरण तंत्र के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आपका होगा डी, रक्त ही श्वेत प्रवाह संयोजी होता है, ये आपका सही नहीं है, बाकी ये सब सही है। कुल भार का 7 से 8% होता है। लाल रुधिर कणिका की आयु 115 से 120 तक होती है, यानी RBC रेड ब्लड सेल्स। और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 6 से 6.8 लीटर होती है। रक्त ही श्वेत प्रवाह, ये गलत है, रक्त आपका एक तरल संयोजी ऊतक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है रक्त क्या है, तो एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट देखो,
ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, तो ये आपका मांसपेशी में इसकी डिटेल है। मांसपेशी शरीर के विभिन्न अंतरंगों को बनाने, उनके शरीर के अंदर फैलने व सिकुड़ने आदि की शक्ति उत्पन्न करने हेतु महत्वपूर्ण है। पतली लंबी संकुचनशील पेशी कोशिकाओं जिन्हें पेशी तंत्र कहते हैं, इन पेशी तंत्र के हुए ऊतकों को पेशी ऊतक कहा जाता है। मांसपेशी ऊतक शरीर में रक्त वाहिकाओं के व्यास को प्रवृत्त करने में सहायक होती हैं। ये आपका लिखा हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो पता ही है, पल्स पल्स दर नब्ज क्यों देखी है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, मतलब हार्ट किस तरह से वर्क कर रहा है, इसलिए पल्स दर की जांच की जाती है। एक पॉइंट और इसका इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि सामान्य पल्स दर 60 से 100 मिनट की दर से धड़कता है। नेक्स्ट देखो, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियो प्लास्टी की जाती है? तो ये की जाती है आपकी सी, हार्ट में। नेक्स्ट देखो, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो सबको पता है हीम में क्या होता है, लोहा। तो देखो, हीमोग्लोबिन हीम नामक रंजक यानी डाई तथा लोह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन से मिलकर बना है। हीम नामक रंजन के कारण ही रुधिर का रंग क्या होता है, लाल। हीमोग्लोबिन जिसमें पाया जाता है उनका रंग ब्लड का कैसा होता है, रेड होता है। पूछा था क्वेश्चन कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। और देख लेते हैं इसमें क्या, ऑक्सीजन CO2 से संयोग करने की अपूर्व क्षमता रखता है ये, और जिससे रक्त श्वसन गैसों का संबंध करता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक क्या कहलाता है, हीमेटिन। और सामान्य व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 15 ग्राम से 100 मिलीलीटर तक होती है। नेक्स्ट देखो, मानव रक्त प्लेटलेट्स डेड डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन हेल्प करता है, ये कहता है आपका ऑप्शन ए, प्रोथ्रोम्बिन। और रक्त का थक्का जमाने में कौन हेल्प करता है, विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने जमाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आपको बता चुकी, अशुद्ध रक्त संचार होता है। अभी आपको समझाया था सिरा और धमनी में कंफ्यूज नहीं होना है। अशुद्ध पूछा है तो पल, वैसे तो सभी धमनियां शुद्ध करती हैं, बट एक पल्मोनरी धमनी है जो अशुद्ध करती है, तो इसीलिए कंफ्यूज होने के लिए क्वेश्चन इसी तरह से घुमा के पूछा, तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे। क्लियर, ये आपको मैं आपको समझा चुकी हूँ अच्छे से। और रक्त का पीएच मान भी बता चुकी हूँ, 7.4 होता है, इसीलिए रक्त की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय, क्योंकि ये 7 से अधिक है। नेक्स्ट देखो, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? तो ये आपका हार्ट में यानी दिल में। नेक्स्ट देखो, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो ये होता है 4.5 से 5 लीटर तक। रक्त लाल रंग की लाल सहयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। इसका 55% भाग प्लाज्मा, तब बाकी 45% में क्या क्या होता है, रेड ब्लड सेल यानी RBC और WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेट्स, ये सब आपकी 45% में आ जाती है। रक्त का पीएच मान पता ही आपका 7.4 होता है। नेक्स्ट देखो, धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। अब धमनियों से रिलेटेड आपका क्वेश्चन फिर से आ गया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है। अब धमनियां आपको पता कि शुद्ध रुधिर ले जाती हैं, तो क्या भरा होगा, शुद्ध ले जाएंगी तो ऑक्सीजन, ऑब्वियसली क्या होगा, ऑक्सीजन होगा इसका आंसर। और एक बात, तो अगर यहाँ पे सिराएं बोल देता, सिराओं में क्या भरा होता, तो आपको CO2 पे टिक करना था। क्लियर। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों में रक्त एकत्र करता है? तो ये आपका सुपीरियर वेना कावा। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या है ये। सुपीरियर वेना कावा को उच्च महासिरा कहा जाता है। शरीर के पूर्ववर्ती ऊपरी हिस्सों में रक्त को हृदय में लाती है। ऊपरी हिस्सों से रक्त को कहाँ लाती है, हृदय में। हृदय में रुधिर को वापस दो जोड़ी फुफ्फुसिराओं, एक उच्च महासिरा तथा एक निम्न महासिरा द्वारा होती है। निम्न महासिरा जो होती है वो शरीर के निचले हिस्सों से रक्त को एकत्र करती है, और जो उच्च होती है वो ऊपरी हिस्सों से। क्लियर, निम्न महासिरा निचले
स्थ से रक्त को एकत्र करती है, जबकि उच्च महाशिरा ऊपरी हिस्से के रक्त को एकत्र करती है। नेक्स्ट आपका डेड डैश में तंतुबंध नहीं होते हैं, तो ये किस में नहीं होते हैं? आपके रक्त में नहीं होते हैं। ये इसकी डिटेल है, आप वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रक्त कण कितने प्रकार के होते हैं ये देख लो, लास्ट में ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, लाल रक्त, श्वेत और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट देखो, हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं, तो ये होती हैं आपको ऑप्शन बी, बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय, यानी यूनि न्यूक्लिएट। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ, कि हृदय पेशी कोशिकाएं वे कोशिका होती है जो जीवन पर्यंत बिना थके बिना रुके कंटिन्यू वर्क करती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी पेशी है जीवन पर्यंत कार्य करती है, तो कौन सी पेशी है? हृदय पेशी। नॉर्मल सा कि हार्ट हमेशा ही वर्क करता, कभी थकता नहीं है, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट देखो, 37 पे आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो 5 रह गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न भागों में रक्त संचारित करती है? तो शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित कौन करता है? धमनी। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, हृदय चक्र क्या है? तो ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा इसका? ये होगा आपका ऑप्शन सी, हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र, ये है आपका। इसमें देखो ये डिटेल, एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ के होने के बीच के घटनाक्रम को क्या हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल कहते हैं? इस क्रिया में दो अलिंद दोनों नलों का प्राकुंचन और अनुशीतलन सम्मिलित होता है। ये आपको पता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। नेक्स्ट देखो, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान डेड डैश में होता है, तो ए बी सी डी में से कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एल्वियोली या कृपिका। नेक्स्ट देखो, नीले की भित्ति अलिंद की भित्ति से डैश होती है, तो कैसी होती है? मोटी पतली, तो ये होती है आपकी मोटी। मानव हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, किस किस्म में होता है? मुट्ठी की सेम में, और चार कोष्ठी होता है, दो अनिल होते हैं, दो अलिंद और दो नीले। हमारे हृदय में चार कोष होते हैं, याद रखना, दो अलिंद और दो नीले। नीले अलिंद की अपेक्षा बड़ी होती है और इनकी भित्तियाँ भी मोटी होती हैं, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, इसलिए क्लियर। नेक्स्ट देखो, 36 नंबर, हृदय मेम्ब्रेन यानी झिल्ली की दो परतों से ढका इन झिल्ली को कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से ये होगा आपका ऑप्शन बी, पेरिकोरियल मेम्ब्रेन। ये देखो इसका थोड़ा सा क्वेश्चन ये इस तरह से, दो परतों से ढका होता है इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो ये होगा आपका बी, पेरिकोरियल मेम्ब्रेन। ये इसकी डिटेल है, झिल्ली को पेरिकोडियल मेम्ब्रेन कहा था। ये हृदय के लिए खोल या कवर के समान कार्य करती है। हृदय की दीवार तीन परतों से मिलकर बनी होती है, एपिकोडियम, मायोकोडियम और एडोकोडियम। इसमें जो पेरिकोडियल है उसमें द्रव होता है जो फेफड़ों का डायफ्राम के संकुचन व गति के वक्त उसके प्रभाव से हृदय को बचाता है, तो याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रण करता है? तो इसको आप आराम से कर लेंगे, ये कौन है? पेस मेकर। तो इस तरह से आपके ये 37 क्वेश्चन 18 से लेकर कंप्लीट हो गए, तो बाकी का करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि और बच्चों की हेल्प हो सके, और वीडियो आगे शेयर ज़रूर करते रहिए।
थैंक यू सो मच।